हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे ही होंगे। मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक चटपटी रेसिपी के साथ, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ फटाफट बन जाती है और सबको बहुत बहुत पसंद आती है। तो आइए चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं हमारे वेजीज, सेजवान सॉस, मसाला मैजिक एंड दीज आर द ब्रेड स्लाइसेस, जिनको मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे ब्रेड स्लाइसेस को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से क्या होता है, जो हमारे ब्रेड स्लाइसेस हैं वो टूटते नहीं हैं हमारे सॉस में ऐड करने के बाद, तो हम इसको थोड़ा बहुत फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारे जो ब्रेड स्लाइसेस हैं हल्का हल्का लाइट ब्राउन शेड में थोड़ा सा रोस्ट होने लग गए हैं, तो हम इसको अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम ऐड करते हैं अराउंड वन टेबलस्पून ऑयल हमारी चटनी बनाने के लिए। थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे राई। अब हम इसमें हमारे वेजिटेबल्स को ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन चिलीज लिया है, अनियन लिया है, टोमेटो लिया है। अगर आपके पास कैप्सिकम है, कैरेट है, कैबेज है, जो भी आपको वेजिटेबल पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सेजवान सॉस से टेस्ट बहुत ही टेस्टी आता है, आप इसके जगह पिज़्ज़ा सॉस भी ऐड कर सकते हैं। मैगी मसाला मैजिक तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप इसको ज़रूर ऐड करें। आप इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से सॉर्ट कर लें। सेजवान सॉस से क्या होता है, जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। इसके जगह पर आप पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर सकते हैं, चिली सॉस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हमारे मसाला ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉल्ट और चिली एडेड होता है इन सॉसेस के अंदर और मैगी मसाला के अंदर, तो मैं लिमिटेड इसमें ऐड कर रही हूँ। 4 से 5 मिनट पकने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे जो ब्रेड स्लाइसेस हैं। इन सभी को आप अच्छे से मिला लें। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इस रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ट्राई करें। और जो हमारी रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए, तो हम इसको प्लेटिंग कर देते हैं। तो हेयर इज आर रेसिपी। आप इसको थोड़े से कोरिएंडर लीव्स के साथ, चिली फ्लेक्स के साथ सर्व करें और ट्राई करें। आई होप आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू फॉर माई न्यू अपडेट्स एंड शेयर योर एक्सपीरियंसिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वेट फॉर माई न्यू रेसिपी। टिल देन एन्जॉय दिस रेसिपी। बाय बाय दोस्तों।